हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रीट 2022 के जो सिलेबस है सेकंड पेपर का, वो जारी कर दिया गया है। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। 300 नंबर का जो पेपर है वो होने वाला है, और कितने कितने सवाल कौन कौन से पार्ट से आने वाले हैं पूरा डिटेल्स में आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है जिससे आप पेपर को पास कर लें। और दोस्तों, दो पेपर इसके अंदर होने वाले हैं, मैं बता देता हूं। पहला जो पेपर होगा उसका सिलेबस सेम है जैसा कि पहला पिछला जो पेपर हुआ है उसी के आधार पर, वो केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। जो सेकेंड पेपर है जिसका सिलेबस अभी जारी किया है, उसके अंदर 300 नंबर का जो पेपर है वो आने वाला है, और उसी से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। लेकिन आपको कितने प्रश्न हल करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, और कम दिनों के अंदर आपको कैसी तैयारी करनी है ताकि आप नौकरी प्राप्त कर सकें, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, जो सिलेबस जारी हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ में दोस्तों, इन्होंने जो सिलेबस जारी किया है वो क्लियर नहीं लिखा है, केवल मोटे मोटे तौर पर इन्होंने जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। इस वजह से न्यूज़पेपर के अंदर इसको लेकर जो है मामला चल रहा है। देखते हैं किस प्रकार से जो सिलेबस है वो आगे भी संशोधित जारी होता है। फिलहाल जो जारी हुआ है उसके अंदर जो राजस्थान का जीके का जो पार्ट है वो ज़्यादा आने वाला है, जैसा कि मैं आगे आपको बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल सेकंड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की योजना जो स्कीम है उसका विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा 300 अंकों की होगी, अर्थात 300 नंबर का पेपर होगा। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की जो टाइम अवधि है, जो टाइम रहने वाला है वो 2.5 घंटे का रहने वाला है, और प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, अर्थात एक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 प्रश्न आएंगे। 300 अंकों का पेपर होगा, 2.5 घंटे का होगा, और एक ही पेपर होने वाला है। नेक्स्ट है, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी। गलत उत्तर यदि आप उसके अंदर दोगे तो आपको 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर बताया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेवल फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। इसके अंदर टॉपिक नहीं बताए हैं, केवल डायरेक्ट लिख दिया है भौगोलिक, अर्थात राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान का कला संस्कृति। इसके 90 अंक आएंगे, अर्थात 45 जो प्रश्न हैं वो इस कैटेगरी से आने वाले हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय। इसके भी 45 जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में आने वाले हैं, अर्थात 180 नंबर का, 300 में से 180 नंबर का केवल जीके है, आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ अक्षरों में लेवल फर्स्ट के अंदर। तो जिसकी अच्छी कमांड होगी जीके के अंदर, उसके आधे से ज़्यादा नंबर तो जीके के पार्ट से ही आने वाले हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय में यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान। प्रत्येक के 10-10 अंक के जो प्रश्न है वो आने वाले हैं, अर्थात 50 अंकों का जो प्रश्न है वो इन सब्जेक्ट से आने वाला है, या हम यूँ कहें तो 25 प्रश्न इन सब्जेक्ट में से आने वाले हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 प्रश्न आने वाले हैं। नेक्स्ट है जो मनोविज्ञान है, शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसके अंदर भी ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, उसके 8-8 अंक के, अर्थात प्रत्येक में 4-4 अंक के ये जो प्रश्न है, 4 प्रश्न वो आने वाले हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकोलॉजी के 10 प्रश्न आएंगे। सूचना तकनीकी, शायद ये कंप्यूटर है, इसके भी 10 जो अंक है वो आने वाले हैं। इस तरीके से दोस्तों टोटल 300 अंक होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है टिप्पणी के अंदर, विद्यालय विषयों के अंतर वस्तुओं का जो स्तर रहेगा वो माध्यमिक स्तर का होगा, और कठिनाई का जो स्तर होगा प्रश्नों का वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट लेवल की बात की गई है। नेक्स्ट है, ये आते हैं बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए ये जो सिलेबस है आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। इसके 70 अंक, अर्थात 35 प्रश्न इस क्षेत्र से आने वाले हैं। फिर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय।
तो टोटल जीके का जो पार्ट है वो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 और 60, 130 अंक, अर्थात यहाँ पर लगभग 65 जो प्रश्न हैं वो राजस्थान जीके से आने वाले हैं। 150 में से 65 जो प्रश्न हैं राजस्थान जीके से आने वाले हैं। नेक्स्ट है संबंधित जो विषय आपकी रहेगी उसके 60 प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे आने वाले हैं। फिर आगे है यहाँ पर शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसके 10 प्रश्न आएंगे, शैक्षणिक मनोविज्ञान के 10 प्रश्न आएंगे, और नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी जिसके 5 प्रश्न आएंगे। तो टोटल मिला के 300 अंक है। तो यहाँ से दोस्तों दोनों लेवलों की बात करें तो लगभग राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो लगभग ज़्यादा दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड यहाँ पर लेवल 1 के अंदर टोटल यदि हम बात करें तो 180 नंबर का राजस्थान जीके जीके आने वाला है, और यदि हम सेकेंड लेवल की बात करें तो लगभग 130 नंबरों का राजस्थान जीके आने वाला है, और खुद की सब्जेक्ट के 120 अंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी विषय की आप तैयारी करें या नहीं, लेकिन खुद की सब्जेक्ट में आपको कमांड करना है, साथ में राजस्थान जो जीके है उस पर आपको फोकस करना है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आप अभी से लग जाइए, कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जो किताब है अपनी सब्जेक्ट की उनको जो पढ़ना है वो शुरू कर दीजिए। मेन सब्जेक्ट के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 120 अंक अर्थात 60 प्रश्न आपकी मेन सब्जेक्ट के आने वाले हैं, जो तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। साथ में राजस्थान जीके आप ज़रूर पढ़ लीजिए, थोड़ी बहुत मनोविज्ञान आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 नंबर का पेपर होने वाला है, 150 प्रश्न होने वाले हैं, इनमें से आपको ये सही करना है। अब दोस्तों इस सिलेबस को लेकर जो फ़िलहाल न्यूज़ चल रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ फ़िलहाल चल रही है आप देख सकते हैं। सिलेबस में केवल पॉइंट ही बताए गए हैं, इसलिए अभ्यर्थी नाराज़ हैं। मांग पूरा कोर्स जारी हो, अर्थात जो मांग की जा रही है वो ये की जा रही है कि पूरा कोर्स है वो जारी किया जाए, केवल वहाँ पर पॉइंट बता दिए कि आपको अपना सब्जेक्ट का विषय पढ़ना है लेकिन कहाँ से लेकर कहाँ तक का पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर नीचे कठिनाई स्तर भी बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का जो विरोध है फिलहाल जारी है। यदि कोई और सिलेबस आता है संशोधित सिलेबस जिसके अंदर पॉइंट दिए गए हों कि कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इतिहास के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, भूगोल के अंदर कौन कौन से पढ़ने हैं, इस तरीके से प्रत्येक कैटेगरी का यदि सिलेबस जारी हो जाता है आगे संशोधित, तो वो भी मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।